दोस्तों, आज ये मैं वीडियो किसी स्पेशल प्लांट पे नहीं बनाने वाला हूँ, बस एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ जो कि लगभग 2 माह पहले मैंने जो है कि यहाँ पे ये जो सामने मेरा देख रहे हैं ये ब्रिंजल के जो है कि प्लांट है, लगभग 20-25 प्लांट मैंने लगाए हुए थे और ये आज अच्छे खासे इस पर फ्लावरिंग हो रही है और इस पर फ्रूट्स भी लग रहे हैं। तो इसी का अपडेट देने वाला था मैं आपको, इसीलिए मैं एक छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप रिज़ल्ट नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप यहीं स्किप करके, इस ब्रिंजल में कुछ इस तरीके से फल लगने शुरू हो गए हैं। ये 2 माह बाद का रिज़ल्ट है, जब मैंने इसको लगाया था तो उसके लगाने के बाद 2 माह बाद इसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। नीचे से दिखाना चाहूँगा तो हर एक प्लांट पे लगभग लगभग फ्रूट्स आए हुए हैं, इस प्लांट पे भी फ्रूट्स आए हुए हैं और इसके अंदर पहुँचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे, इसके अलावा बहुत ढेर सारी इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये सीज़न बेहतरीन है ब्रिंजल को लगाने के लिए। इसमें मैंने जो है कुछ किया नहीं है ख़ास, ढेर सारे फल लेने के लिए मैंने जो है इस पर कंपोस्ट डाला है, थोड़ा सा कंपोस्ट में मैंने जो है कि जैविक खाद ही डाला है, जैसे कि पत्ती वाली खाद हो गई, गोबर खाद हो गई, इन सब का मिश्रण मैंने डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी फ्रूट्स आए हुए हैं ढेर सारे। इसके अलावा जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रूट्स आया हुआ है और यहाँ पे भी आया हुआ है। इस पौधे की लंबाई की बात करें तो ये पौधा लगभग 1 फीट का होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, ये सीज़न बहुत ही अच्छा है, आप ब्रिंजल को लगा सकते हैं। अगर आप जो है कि पौधे लगाने के शौकीन हैं तो सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं और अच्छा खासा जो है कि फल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी हेल्दी और हैवी जो है कि फ्रूटिंग हुई है। दोस्तों, हर एक प्लांट पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ही अच्छे खासे जो है कि फ्रूट्स आए हुए हैं। दोस्तों, जब मैंने ये ढेर सारे प्लांट छोटे छोटे थे तो मैंने इसको लगाया था, उसको कैसे लगाया है, बीज से आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारी जो है कि मैंने एक ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन में भी ऊपर आ रहा होगा उससे भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी हुई है। अगर इसको हार्वेस्ट करना चाहें तो हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन मैं शाम के वक्त जब सब्ज़ी बनाना होगा तभी जो है ताज़ा ताज़ा हार्वेस्ट करूँगा और उसके बाद इस पर जो है ढेर सारे और फल आएंगे। यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा ये प्लांट है और इस छोटे से प्लांट पे ये फ्रूटिंग शुरू हो गई, यहाँ पे जो है कि फ्लावरिंग भी हो रही है। एक ये छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे भी ये जो प्लांट लगा हुआ है इस पर भी काफ़ी अच्छे फ्रूट आए हुए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, इसके अलावा जो है कि ढेर सारे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं और छोटे छोटे इस पर फल आ रहे हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्लांट है, इस प्लांट में भी जो है कि छोटा सा ये फल आया हुआ है, देख सकते हैं। हर एक पौधे पे काफ़ी अच्छे खासे इस पे जो है कि फ्लावर आए हुए हैं और उसके बाद फ्रूटिंग हो रही है कुछ इस प्रकार से। अंदर मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों तो हर एक जो है कि प्लांट पे, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ पे भी फ्रूटिंग हो रही है, यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे भी फ्रूटिंग हो रही है काफ़ी अच्छी खासी। तो यही कुछ ऐसे हैं, ये देखिए ये लगभग 1 फीट का प्लांट है, इस पर भी जो है कि फ्रूट्स आए हुए हैं और यहाँ पे ये देखिए इस पर भी कि फ्रूट लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी टाइम निकला नहीं है और ये उपयुक्त समय है अभी जो है ब्रिंजल को लगाने के लिए। अगर आपने जो है कि बीज है आपके पास आपके घरों में तो आप लगा सकते हैं। मैंने जो है कि अपने गार्डन में छोटा सा एक एरिया था वहाँ पे लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इस पर। ये देखिए बस इतने से ही एरिया मैंने जो है कि लगाया हुआ है, लगभग 20-25 प्लांट है, लेकिन 20-25 प्लांट पे जो है कि लगभग लगभग कम से कम 5500 जो है कि फल लगे हुए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।